टीएचपी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। मुसलमानों से जुड़ा हुआ एक और कानून खत्म हो गया है और इसके बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि मुसलमान शरीयत के हिसाब से चलेगा या नए कानूनों के हिसाब से चलेगा, क्योंकि पिछले कानूनों में थोड़ी फ्लैक्सीबिलिटी थी। अलग अलग तरह के सवाल हैं। ये कानून असम में मौजूद था, यानी पूरे देश से इसका वास्ता नहीं था, ये एक स्पेशल कानून था। अब इस कानून को मैरिज एक्ट कहते थे, असम मुस्लिम मैरिज एक्ट, मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट। इसमें यह था कि अगर कोई लड़की 18 की नहीं है, लड़का 21 साल का भी नहीं है, तब भी उनकी शादी अगर हो जाए तो उन्हें कानूनी मान्यता मिल जाती थी इस एक्ट के तहत। मुंसिफ टीवी ने छापा कि असम में मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म करने का फैसला हेमंत बिस्वा सरकार, बिस्वा शर्मा जो है उनकी सरकार ने देर रात, पता नहीं देर रात ये फैसला क्यों लिया, इतना इंपॉर्टेंट था इस एक्ट को खत्म करना। आई डोंट नो कहीं से कॉल आया, क्या हुआ, आई डोंट नो, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। सो हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने, कैबिनेट ने फैसला लिया, असम कैबिनेट ने पुरातन असम मुस्लिम मैरिज एक्ट को निरस्त करने का फैसला लिया है। इस कानून में दुल्हन और दूल्हे के 18 और 21 साल की उम्र के ना होने पर शादी के कानूनी प्रोविजन थे। यह असम में चाइल्ड मैरिज को रोकने का एक अहम कदम है। खैर, बाल विवाह नहीं होने चाहिए, सभी बच्चों को पूरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, हम भी इसी हक में हैं, लेकिन मुसलमान इसे किस नज़र से देख रहे हैं। एसटी हसन साहब हैं, मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के साथ करना क्या चाह रहे हैं। मुसलमान कुरान के हुक्म पर चलेगा, एक्ट कितने भी बनाते रहे, आप कानून खत्म करते रहे, बनाते रहे, क्या मुसलमान से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और रास्ता तलाश लो तो हम उसे मान लेंगे? क्या हिंदुओं से ये कहा जाएगा कि शवों को जलाओ मत, दाह संस्कार मत करो, दफन कर दो? हाँ, ये भी कहा जा सकता है कल को कि इससे पॉल्यूशन होता है, ये होता है, वो होता है। खैर, हर धर्म के अपने रीति रिवाज हैं, वो उसे हजारों सालों से मानते चले आ रहे हैं और मानते रहेंगे। क्या तीन तलाक खत्म हो गया, इसका और दुरुपयोग बढ़ गया? एक हेडलाइन जो है वो भास्कर की भी पढ़ लेते हैं। इसमें अजमल जो बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, उन्होंने क्या कहा वो लिखा है। हेडलाइन है, असम में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट खत्म, सरकार बोली यूसीसी की दिशा में एक बड़ा कदम। बदरुद्दीन साहब का इसमें बयान छपा है और बदरुद्दीन साहब की पार्टी असम में ही एक्टिव है, आपको पता है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF, उसके चीफ है मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब। उन्होंने सरकार के इस फैसले की मजम्मत की है, आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि जो बहुविवाह है वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं है बल्कि दूसरे धर्मों में भी है, एक से ज़्यादा लोग शादियां कर लेते हैं, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ टारगेट करना सही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि क्या अजमल साहब इसे लोकसभा चुनाव से लिंक करते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को सिर्फ टारगेट करने की वजह यह है कि पोलराइजेशन हो इस मुद्दे पर ही सही, कुछ बवाल होगा, विरोध होगा, तो जो कट्टरपंथी वोट हैं वो बड़े खुश होंगे जो मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं और वो किसी अमुक दल को जमकर वोट करेंगे। आह, क्या काम किया, अरे दर्द कर दिया, चूड़ी टाइट कर दी, अरे अब्दुल की तो है ना, तो वो वहीं जाएंगे जहाँ के वो हैं। खैर, इरम ने क्या लिखा है, एक ट्विटर यूज़र हैं और इन्होंने एक्स यूज़र कह सकते हैं, 11,000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं भाई। इन्होंने लिखा, हेमंत बिस्वा शर्मा कैबिनेट ने 89 साल पुराने कानून को रद्द करने का फैसला किया है। फैसले के बाद असम में अब इस कानून के तहत मुस्लिम विवाह और तलाक को रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी, संविधान छोड़कर अब आप ऐलानिया कह दीजिए कि आपने मनुस्मृति को लागू कर दिया है। अब दूसरी तरफ का भी रुख देख लीजिए, वीरेंद्र शर्मा है, वो क्या लिखते हैं, क्योंकि समझना चाहिए कि अगर इन्हें तकलीफ हुई है इरम को इस बात से, तो वीरेंद्र शर्मा को कितनी खुशी हुई है। वीरेंद्र शर्मा है एक ट्विटर यूज़र है, वीके शर्मा 18, भाई साहब ये भी गुमनाम से बंदे हैं। इन्होंने लिखा, असम यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में, यानी असम यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में बढ़ते हुए मुस्लिम बहुविवाह और तलाक अधिनियम को निरस्त किया गया। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक से जुड़े सभी मामले अब विशेष विवाह अधिनियम के तहत आएंगे। मोदी जी, अब देश में मदरसों पर और बहुविवाह पर निर्णय लेने का उपयुक्त समय। इनकी जो है ना वो बड़ी प्रॉब्लम है, ये वाली उंगली उठाई है मैंने, ये वाली वोट वाली, इनकी बड़ी प्रॉब्लम है मदरसों से, शर्मा साहब, इन शर्मा को मदरसों से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप समझ सकते हैं। तो इनको ही ये मैं बता रहा हूं ना, इनको बहुत खुशी होगी
यही वो कट्टरपंथी टाइप के लोग हैं जिन्हें मंदिर, वो माफ कीजिएगा, मदरसों, मस्जिद, मुसलमान, उनके कानून, शरीयत, इन सबसे बड़ी तकलीफ होती है। और इनके जो कहते हैं ना प्रातः स्मरणीय सुबह, जिनको भगवान को छोड़कर इंसानों में जो इन्होंने भगवान ढूंढा है वो भी एक ही है, तो ये उसी के बंदे हैं कहा जाता है। फिलहाल इस कानून के ख़त्म करने से क्या असम में कुछ बेहतरी आएगी? तीन तलाक कितना आरआर मचाया गया, कितना सुबह शाम रोना मचाया गया, रात भर रोना, सुबह शाम रोना, आरआर रोना, एसआर रोना, तो वो मचाया गया। 1% केस नहीं थे तीन तलाक इस मुल्क में, हमने तो दूर दूर तक तीन तलाक नहीं सुना है, शायद जिंदगी में, इतनी जिंदगी में 1-2-3 ही केस आए हों, शायद सुनने पता भी नहीं। हलाला, ये तो पहली बार यही सुना, जबकि हम खुद मीडिया से थे, सुना तो चौंक गए, पढ़ा इसके बारे में क्या है, ये तो होता ही नहीं अब तो इतना। उसके बाद भी तलाक हो रहा है, रोज तलाकों के लिए अर्जी लग रही है, तलाक तो हो ही जाते हैं, तीन बार बोल के हो, अदालत से हो, क्या मसला है, कहां रुक रहा है? आप सजा देने लगे, अब जिसे हरजाना देना था अपनी बीवी को, एक्स बीवी को, वो जेल में काहे को हरजाना देगा, वो अपने आप को दिवालिया घोषित कर देगा साहब के दोस्तों की तरह और निकल जाएगा दूसरे देश फिर नौकरी करने। दिवालिया घोषित होके हजारों करोड़ लेकर लोग भाग सकते हैं जब, तो एक वो एक्स पति क्यों नहीं भाग सकते? शोशेबाजी चल रही है, चौंचले चल रहे हैं, चंडूखाने चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। फिलहाल जो असम सरकार ने फैसला किया है वो अच्छा है, बाल विवाह रुकने चाहिए, हम उसके साथ हैं, अगर वो बाल विवाह रुकने की नियत से किया गया है तो।